हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में रीड करेंगे। यहाँ पर मेटल्स के ऑक्यूरेंस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें हम मिनरल्स ओर्स के बारे में भी रीड करेंगे और मेटल के एक्सट्रैक्शंस के बारे में भी। देखो फर्स्ट लाइन में क्या है, द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। धरती के अंदर काफ़ी मेटल्स पाई जाती हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट। समुद्र के पानी में कुछ नमक घुला होता है जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट का भी फॉर्मूला है, जिसका सिंबल होता है, जिसका फॉर्मूला है NaCl। अब Na सोडियम और क्लोरीन का होता है Cl। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड विच ओकर नेचुरली, वो एलिमेंट्स और वो कंपाउंड जो नेचर में, अर्थ क्रस्ट में, नेचर में पाए जाते हैं, उसको मिनरल्स का फॉर्म मिनरल्स कहा गया है। और मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं। अब खनिज क्या होते हैं, तत्व और यौगिक, जो प्रकृति के द्वारा तत्व और यौगिक अर्थक्रस्ट धरती के अंदर मिलते हैं, उनको खनिज कहा गया, खनिज कहते हैं। ये जो मिनरल्स हैं, इनकी हाई परसेंटेज होती है मेटल्स में और मेटल एक्सट्रैक्शन में इसका काम किया जाता है। मेटल एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो मिनरल्स रह जाते हैं वो ओर्स होते हैं, ओर्स को कहा जाता है एसक। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या करते हैं, जो मेटल्स बॉटम्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ में काउंट होती है, वो लिस्ट एक्टिविटी सीरीज़ काउंट होगी। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पहले इससे पहले वीडियो में बताया था। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या होता है, जब मेटल्स को क्लीन किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। देखो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी होगी वो पोटेशियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, कैल्शियम की होगी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। देखो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज़ होगी वो पोटेशियम से एल्यूमिनियम होगी, और लिस्ट रिएक्टिव में गोल्ड और सिल्वर काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये जो मेटल्स हैं टॉप एक्टिविटी सीरीज़ में पाई जाती हैं। अब टॉप एक्टिविटी सीरीज़ में होने के कारण ये फ्री स्टेट में है, और फ्री स्टेट में कौन कौन से आएंगे, जिंक, आयरन और लेड। ओके, ये आपको याद रखना है, हाई टॉप पर कौन सी हैं, मीडियम पर कौन सी हैं और लो पर कौन सी हैं। तो ये क्या है, अब इनसे जो अर्थ स्टेट पर पाई गई हैं, अर्थ क्रस्ट में पाई गई हैं, ये जो ऑक्सीजन को क्या कर रही हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स और अबंडेंट है अर्थ पर, क्या है, अबंडेंट स्टेट में पाई जाती हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है मेटल्स को, यहाँ पर हम शो करते हैं थ्री कैटेगरीज में। जो मेटल्स हैं वो लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में है, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज़ में और हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में है। तो यहाँ पर जो मेटल्स हैं ओर्स और मिनरल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर्स के कंसंट्रेशन, ओर्स की बात हो रही है यहाँ पर, मेटल्स की रिएक्टिविटीज़ हाई होती है और मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटीज़ और मेटल्स लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में। जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो मोल्टन ओर्स में काउंट होते हैं, जिसको प्योर मेटल बोलते हैं। मोल्टन ओर क्या होता है, पिघला हुआ अयस्क, जो शुद्ध पदार्थों में, शुद्ध धातु में काउंट किए जा रहे हैं। अब मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बोनेट और सल्फाइड और आएंगे। कार्बोनेट में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस आती है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन भी और रोस्टिंग भी। तो यहाँ पर लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते सल्फाइड और रोस्टिंग और मेटल्स और रिफाइनिंग। ओके, तो हम इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।